दोस्तों दोस्तों एक भाई का कमेंट था कि समर्सिबल मोटर के अंदर पानी रहता है फिर मोटर जलती क्यों नहीं, और या फिर ऐसा कहें कि समर्सिबल मोटर को हम पानी के अंदर डुबा देते हैं फिर भी वो जलती क्यों नहीं है। दोस्तों ऐसे समर्सिबल मोटर की जो वाइंडिंग होती है, जिस वाइंडिंग के ऊपर ये मोटर चलती है, वो वाइंडिंग वाटरप्रूफ होती है। वाटरप्रूफ का मतलब जैसे कि हमारा एक मोबाइल आता है आईफोन, उसमें भी वाटरप्रूफ होता है जो कि पानी में डालने से खराब नहीं होता, वैसे ही मान लीजिए समर्सिबल होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग के ऊपर एक लेयर होती है, वो लेयर वाटरप्रूफ होती है। अब बात करते हैं तो वाइंडिंग वाटरप्रूफ, उसके साथ जो तार बाहर निकलती है और जो जॉइंट लगता है वो भी वाटरप्रूफ होता है, उसके ऊपर पंचर लगता है जिस वजह से उन जोड़ों के ऊपर भी पानी नहीं जाता, तो कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी उस पानी का टच नहीं करती। इसी कारण से समर्सिबल मोटर पानी में रहने के बाद भी चल जाती है। समर्सिबल मोटर का पानी में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि एक तो वाटरप्रूफ है तो चल जाती है, और दूसरी बात कहें तो जल्दी जलती नहीं। एक तो मोटर के अंदर पानी रहता है जहाँ पर मतलब हर समय मोटर के साथ पानी घूमते रहना, जिस वजह से मोटर हीट नहीं होती, और बाहर की तरफ से मोटर के बिल्कुल पास से मतलब मोटर के चिप कर पानी निकलता है, ऊपर की तरफ फेंकती है पानी, नीचे की तरफ से दाब बढ़ती है, तो क्या है कि मोटर ठंडी रहती है। तो इसलिए समर्सिबल ज़्यादा सक्सेसफुल है किसी अदर मोटर के मुकाबले, जैसे कि मोनोब्लॉक या फिर दूसरी कोई भी मोटर ले लीजिए, तो समर्सिबल इसलिए काम है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगा। अगर समर्सिबल मोटर या खेती के संबंध कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।